रिचार्ज मिनट्स एंड एसएमएस सिर्फ 200 रुपए में। तो अभी स्टार 617 हैश मिलाओ जैज सुपर 4G। मेरा गुलजार अहमद नाम है और मेरा शौब है कटिंग की और लोहारी भाटी का मैं रहने वाला हूँ। 65 साल हो गए लोहारी में हमें रहते रहे। और जो हमारे बड़ों की उम्र है वो 120 है, किसी की 130 है, वो रुख्सत हो गए। और कराची में हमारा आना जाना लगा रहता है इसलिए हमारी उर्दू साफ है। पहले मैं जरी का काम करता था, फिर मैं वाली साहब के पास घूमता घूमता ये काम मैंने सीख लिया। वाली साहब ने मुझे सिखा दिया, मैं ये काम नहीं करता था, मैं जरी का काम करता था और बड़े अच्छे पैसे कमाता था। अब हालात बदल गए तो मजबूरी फिर करना ही पड़ा। इंडिया से भी समझो 80 साल हो गए हमारे बड़े आते जाते, मर मरा गए, कुछ जिंदा हैं। तो अभी भी हमारे 20-25 मकान वहाँ है जामा मस्जिद पर, बेली में जामा मस्जिद के पास, गड़ैया में, चांदनी चौक, हाथी दरवाजा, ऐसे वहाँ इलाकों के नाम हैं, जगत सेमना के पास। पहले मैं गया हूँ 81 में, फिर मैं गया 82 में, अखीला चक्कर मेरा 82 में लगा हुआ। तो 82 में मैं बाई रोड आया था तो किसी ने अमृतसर का नाम ही लेते, मैं अमृतसर सारा देख के आया हूँ। बाई रोड बड़ा खूबसूरत है, खानदान बहुत बड़ा है हमारा, अभी भी बहुत बड़ा है वहाँ दिल्ली में और कराची में भी बहुत बड़ा है। मैं गया हूँ 15 रुपए में वीज़ा लेके, 81-82 में मैंने 15 रुपए का वीज़ा लिया हुआ है। भारत तो इंडिया में हमारी बोल्ट तो लैक छलैक है मगर बहुत कम है, आना जाना भी नहीं है और बहुत देर में बातचीत होती है, रिश्तेदार बहुत है, चाचा ताया फुप्पी खाला खालू सारे खानदानी वहाँ भरा हुआ है। ये मैं 82 में जब गया तो मेरी दिली ख्वाहिश थी मैं 85 में फिर जाऊँ तो उसके बाद रास्ते ही बंद होगा। मैंने तो ये सोचा था रास्ते ऐसे ही लोहारी भाटी की तरह खुले रहेंगे, तो मगर वो रास्ते ही लॉक हो गए। और बड़ा अच्छा समा था भैया आने जाने का, अब नहीं, अब तो इन्होंने काम ही सारा ख़राब कर दिया। वहाँ के लोग अच्छे मुसलमान अच्छे वहाँ। और एक बात और मैं बताऊंगा, अखिले लाहौर और इंडिया एक जैसा है, बिल्कुल सेम का, ज़रा है पीले का भी नहीं फर्क। जैसे यहाँ के दरवाजे हैं 12 दरवाजे हैं, वहाँ के भी 12 दरवाजे हैं दिल्ली के, आसपास साइडें भी ऐसी हैं, पूरा लाहौर है समझो। ये दोनों मुल्क बहुत अच्छे हैं मगर वहाँ महंगाई नहीं है, यहाँ महंगाई, वहाँ 4 आने में रोटी खा लेगा या 500 रुपये में रोटी नहीं खाए। तो दिल्ली तमन्ना मेरी मैं दोबारा वहाँ जाऊँ मिलने जुलने, और वो लोग भी यहाँ आए, रास्ते खुलने चाहिए।